साहिब जी राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वशल तेहो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਰੀਦਾ ਚਲ ਚਲ ਗਈਆਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜਿਨੀ ਵਸਾਏ ਤਲ ਸਰ ਭਰਿਆ ਪੀ ਚੱਲ ਸੀ ਥੱਕੇ ਕਵਲ ਅਕਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਸਾਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਕਵਲ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਤਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਾਰਬਤ ਦਾ ਚੋਗ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਾਰਬਦ ਰੂਪ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਲ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸੀਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਪ੍ਰੋਵਣਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰਛਾਹ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ
सूरबीर महाबली योधे महापुरख अमर शहीद संत ग्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां महा पिंडरां वाले महापुरखां दे जथे विच छड के आए कि तुसी गुरबाणी दी संथिया श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दी संथिया कीर्तन दी संथिया जथेबंदी विचों प्राप्त करनी है। सो बाबा बरियाम सिंह जी ने दमदमी टकसाल विचों गुरबाणी दी शुद्ध संथिया प्राप्त की और वो संथिया प्राप्त करन तो उपरंत आप जी ने सारी जिंदगी दल दे नाल विचर के संगतां नूं दोनों समय गुरबाणी का कीर्तन सरवण करवाउणा कथा सरवण करवाउणी गुरमत दे बचन सरवण करवाउणे नाल नाल कीर्तन सिखाउणा बहुत वड्डा परउपकार उन्हां महापुरखां ने गुरमुखां ने अपने जीवन विच कीता और साध संगत जी इस जथेबंदी दियां बड़े उत्साह नाल उन्होंने सेवावां निभाईयां बड़ी निम्रता दे पुंज सन और उन्हां दा अकाल चलाना साडे लई सारियां जथेबंदियां लई खास करके बाबा जी दी इस समुची जो जथेबंदी है इस लई परिवार लई बहुत वड्डा घाटा है। समां बहुत संखेप है, दास बहुते विस्तार विच नहीं जाना चाहुंदा। मन बिरती नूं एकागर करके राम कली सदबाणी दी कथा सरवण करो। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी जिस वक्त गोविंदवाल साहिब तों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी आदि भीड़ तैयार कराउण वास्ते हजूर पोथियां लैण वास्ते गए, बाबा मोहन जी ने आप जी नूं धन गुरु अमरदास साहिब जी द्वारा जो पहले सतगुरां दी बाणी पहले पातशाह दूजे अते आप तीसरे सतगुरां ने जो बाणी उचारण कीती वो अपने पोतरे भाई मोहन जी जो सतगुरु जी दे वड्डे साहिबजादे सन तिन्हां दे सपुत्र भाई संस राम तो वह पोथियां गोविंदवाल साहिब विखे सतगुरां जी ने आप लिखवाइयां और वह पोथियां भाई मोहन जी तो सतगुरु महाराज जी ने प्राप्त करके एक रात गोविंदवाल साहिब रहे। अमृत वेले बौली साहिब इशनान करके समाधि तो अथान हो के हजूर जिथे श्री गुरु अमरदास जी श्री गुरु रामदास जी और सतगुरां दे माता भानी जी का अंगीठा सी उत्थे गए, अंगीठियां दे इशनान करवाए, परिक्रमा कीतियां, कड़ा प्रसाद दी देग मंगा के अरदास कीती। उत्थे भाई मोहरी जो धन गुरु अमरदास जी दे छोटे साहिबजादे सन उन्हां दे पोतरे भाई सुंदर नूं सतगुरु जी ने अपने पास बुलाया और भाई सुंदर नूं सतगुरु महाराज जी ने पुछया कि भाई सुंदर जदों श्री गुरु अमरदास जी ने ज्योति जोत समाउणा कीता उदों की उपदेश दिता सी, तां उदों भगत सुंदर जी ने यह बाणी उचारण कीती है, सतगुर भाणे अपने बह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल न पाया, कि सतगुरु ने सारे परिवार नूं सद्या हुक्म कीता कि असी ज्योति जोत समाउण लगे हाँ, साडे ज्योति जोत समाउण तो बाद किसी ने रोना नहीं विरलाप नहीं करना, जिमें दुनिया पिट स्यापे करती है इस तरह का कोई भी कर्म नहीं करना। फिर भाई सुंदर जी कहिंदे मेरे बाबा भाई मोहरी ने पुछया कि महाराज फिर आग्या की है की करना, तो सतगुरु जी ने बचन किते अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछा कीर्तन करिया हो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्या हो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, कि अंतले समय यह बचन सन हुक्म सी कि गुरबाणी का कीर्तन करना, तत् बेते गुरमुखा नूं बुला के गुरबाणी की कथा करनी, यही आग्या सी सतगुरां दी। इस करके गुरु कर दिए मर्यादा है जदों कोई प्राणी चढ़ाई करता है उस दे निमित कीर्तन और कथा का प्रवाह चलाया जाता, यह हुक्म धन गुरु अमरदास जी का है। सो सात संगत जी उस वक्त भाई सुंदर ने जो सतगुरु जी के बचन सन
सद बाणी द्वारा धन गुरु अर्जन देव साहिब जी की हजूरी विच आप उचारण किए है। रामकली सद है, वैरागमई बाणी है। सद का अर्थ है सुनेहा, सद का अर्थ है सदड़ा, भाव वाहिगुरु परमेश्वर का जो सदा है। और सद उदों गाया जाता जदों वैरागमई समय दे विच सद एक संत की चाल है जिस अनुसार रागी सिंह इस नूं वैरागमई धुन द्वारा इस दा गायन करदे हन। सो सात संगत जी जिवें धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे बचन हन, लखी जंगल खालसा आए दीदार लगो ने, सुन के सद माही दा माही पाणी काहो मुत्तो ने, उदों भी सद गाई सी साहबां ने। इस करके सात संगत जी ये सद बाणी उचारण कर रहे हैं रामकली राग दे विच। वस्तु निर्देश मंगल है, एक अद्वैत स्वरूप ओंकार सारिया का प्रकाशक है, सतनाश तो रहत गुर चेतन प्रसाद आनंद स्वरूप परमेशर है। और इस बाणी की आरंभता दे विच ये मंगलाचरण दिया दो पंक्तियां हैं, जगदाता सोए भगत वच्छल त्यो लोए दियो, गुर शब्द समावे अवर न जाने कोए दियो। ये मंगलाचरण दियां पंक्तियां हन। आप संगता मन बिरती नूं अकागर करके कथा सरवण करो। जगत दा जो दाता है सोए ओ वाहिगुरु परमेश्वर ही संसार दे जीवां नूं जन्म दे के रोडी रिरक देण वाला है। इस करके दाता पुणा उस दे नाल जुड़दा है। देदा दे लैदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे। दुनिया दियां दातां कदे वर्तन लग जांदियां कदे मुक जांदियां, परमेश्वर दी दात अमुक है, अमुक ही खजाने है और अमुक ही वह दातां वंडन वाला है। इस करके भाई वह जगत दा दाता है सोए वाहिगुरु परमेश्वर। भगतां दा वत्सल प्यारा है, तिन्ना लोकां दे विचों दा लोए प्रकाश है, जरे जरे दे विच जियो हे प्यारेओ। और जिहड़े भगत हन वाहिगुरु दे प्यारे, तिन्ना लोकां दे विच उहनां दी महिमा नूं वाहिगुरु परमेश्वर संसार विच सारे प्रगट कर दिंदा, प्रसिद्ध कर दिंदा, ऐसी भी कृपा करदा है। तिन्ना लोकां दे विच अपने भगतां दा वत्सल प्यारा है वाहिगुरु। और ऐसे वाहिगुरु नूं किवें प्राप्त किया जाए? कहिंदे जिहड़ा गुरु ने शब्द दिता है, नाम दिता है, उस नूं जप के उस दा सिमरन करके ऐसे भगत वच्छल ते जगत दे दाते वाहिगुरु विच समाया की अभेद होया जांदा है। बाबा बरियाम सिंह जी सारी जिंदगी बाणी नाल जुड़े रहे, शब्द विच बिरती नूं समा के रखिया और अखीर वाहिगुरु विच ही गुरसिख किते नहीं जांदा, उह सतगुरु की पूरी सतखंड विच जांदा है और गुरु विच ही अभेद हो जांदा। हर का सेवक सो हर देहा, भेद न जाणहु मानस देहा। इउं जे जिउंदे जी शब्द विच बिरती समाई रही फिर ही अंत नूं समाया जाएगा, नहीं कित्थों समाया जाणा। इस करके भाई देही सुरत तेह राहे जाए, इस करके गुर शब्द विच ही बिरती नूं समा के जोड़ के एकाग्रता दे नाल गुर शब्द विच मन नूं लीन करके वाहिगुरु विच अभेद होया जांदा है। जियो प्यारो अवर होर कोई साधन नहीं जाणिया जा सकता कि किस द्वारा परमेश्वर प्राप्त होवे। अवर होर कोई नहीं साधन है दुनिया के अंदर कलयुग दे विच, इतना वड्डा सुखैन साधन केवल एक नाम दा बाणी दा सिमरन दा है। और गुरु ने जिहड़ा सानू नाम दिता शब्द दिता है उस द्वारे वाहिगुरु दे विच अभेद हो के उस नूं ज्ञान स्वरूप विच जाणिया जांदा है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰਤ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਕਾਰਿਆ ਬਈ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਡਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਸਨ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ, ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਗਏ ਏਕ ਭਏ ਏਕ ਫੇਰ ਭਏ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨ ਕਹਿਤੇ, ਵੇਦ ਔਰ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿਤੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਮੂਹਨ ਕਹਿ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਤਾਏ ਹੈ, ਮੋਣ ਦੀ ਮਦਾਰ ਕਹਿਤੇ, ਅਸਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿਤੇ, ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਤੇ, ਕਾਲ ਵਸ ਭਏ ਹੈ, ਪੀਰ ਔਰ ਪਕੰਬਰ ਕਹਿਤੇ, ਗਾਨੇ ਨਾ ਪਰਤੇ ਤੇ, ਭੋਗ ਭੋਗ ਭੂਮ ਅੰਤ ਭੂਮ ਮੈਂ ਮਲਏ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ, ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਡ ਬਨਾਸੀ ਡੇਰ ਬਨਾਸੀ ਉਤਪੁੱਜ ਸਿਹਤ ਬਨਾਦਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਹਰੀ ਦਾ ਜੋ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
हे महाराज मेरी भी इस मात लोक दे विच पत ढकियो परलोक विच मेरी सहायता करियो होर मैं कुछ नहीं मंगदा सच्चे पातशाह मोहरी पुत सन्मुख होया अगे पंक्तियां आउणगियां इस करके यही मैं अरदास करदा हाँ भाई मोहरी ने भी बेनती की है प्यारियो महाराज कहिंदे भाई अपने जन प्यारियां दी परमेश्वर हमेशा पैज इज्जत रखदा हर जुग जुग भगतो पाया पैज रखदा है राम राजे ते तेरी भी पैज लोक प्रलोक विच रखी जाएगी और जेड़े जन प्यारे दास है वाहिगुरु उन्हां दी हर समय भाई पत ढकदा इज्जत रखदा है लोक प्रलोक विच भाई मोहरी नू महाराज कहन लगे कोई होर इच्छा तेरी कहन लगे नहीं महाराज एक निरंजन जो शुद्ध स्वरूप वाहिगुरु उस दे नाम दी दात मैनू बख्शिश करो नाम नाल जुड़िया रहा नाम द्वारा मेरी पत रहनी है लोग प्रलोक दे विच नाम ही पत ढकदा है सेवक दी इस करके महाराज कृपा करो नाम दी दात बख्शिश करो उस वक्त यह भी बेनती की जो अंत मैं इस मात लोग तो चलना जावा उदो मेरी महाराज बेली रखक हो के सहायक हो के मेरी सहायता करो जो जमदूत धर्म राजा है उसके जेडे दूत हैं उन्होंने जोड़ा भय है महाराज काल का जोड़ा भय है उसनु मेट दो नाश कर दौ क्योंकि महाराज जित दिहाड़े धनवरी साहे लए लिखाए मलक जे कन्नी सुनी दा मुँह दिखाले आए जिंद नमाणी कढ़िया हड्डा कूकड़काए ऐसी हालत हुंदी अंत दे समय पर महाराज जो दुख हो पै मेरा कट दियो नाश कर दियो जमा सतगुरु जी दे चरणां विच बेनती कीती है उन्होंने हरी वाहिगुरु परमेश्वर दा स्वरूप धन गुरु अमरदास जी कहन लगे हे भाई मोहरी तेरी अरदास भी परमेश्वर दी दरगाह विच इस वक्त सुनी गई है तेरी भी अंत दे समय सहायता करांगे और जेड़ा गुरसिख सतगुरु दे अगे अपनी बेनती अरदास पाउंदा भाव करदा है उस दी जरूर वाहिगुरु परमेश्वर दे दर ते अरदास जी की एक ही पैमानी अबर जतन कर रहे बहुत तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी यूं वाहिगुरु दे दर ते अरदास ही सुनी जाती है प्यारे ओ हरी दी कृपा हुई हरी ने कृपा दा हथ रख्या ताई सानू गुरु अंगद देव जी दा मिलाप होया ते अगे संगतां नू फेर धन गुरु अमरदास जी रूप सतगुरु जी का मिलाप होना होया धन गुरु नानक देव जी धन गुरु अंगद देव जी और धनता दे योग सतगुरु हैं साबास का अर्थ है धनता दे योग हे प्यारियो ऐसे सतगुरु गुरु अमरदास जी नू धनता दे योग आखिए जिन्हां दी कृपा नाल परमेश्वर दा मिलाप हुंदा है देखो किन्ना प्यार गुरसिखां नाल पहला गुरसिखां नू संबोधन कीता कि हे मेरे गुरसिखो सुनना करो पुत्रो भरावो सारे साडी आग्या है मेरे हरी का यह भाणा हुक्म है सदा है कि हुण तुसी आ जाओ सचखंड विच चौथे सरूप नूं गुरता गद्दी दे के इस करके असी तैयारी की है सचखंड नूं जाण वास्ते गुरु ओही जिहनूं परमेश्वर का भाणा मिठा करके लगता है ते सानूं भी गुरु का भाणा मिठा करके चंगा लगा है पाया है जो मेरा प्रभु है ना धनता दे योग जो वह करेगा वह चंगा ही करेगा इस करके वाहिगुरु की रजा नू सत करके मनना
वाहिगुरु दी रजा नू अठे पैर सिर चुका के मनना आग्या समनी साहिब सेवा। इसे तरह साध संगत जी जो महाराज सच्चे पातशाह दीने कांगड़ गए भाई परम सिंह धर्म सिंह ने आख्या कि सतगुरु जी साहबजादियां दे दर्शन नहीं हो रहे, अपनी बिंदी अंस रख लेंदे। महाराज कहिंदे चार लकीरां कढ़ो, कढ़ियां फिर मेट दित्तियां। महाराज कहिंदे मेट दिओ। पुछया कि तुहानू लकीरां कढ़न लग्यां कोई खुशी होई? कहन लगे नहीं महाराज। मेटन लग्यां कोई गम? कहिंदे नहीं, तुहाडा हुक्म मन्निया। महाराज कहिंदे साहबजादे वाहिगुरु दी रजा विच आए सन धर्म दी रख्या लई अवतार लै के मात लोक ते, तो धर्म की रक्षा करते शहीद हो गए। जदों आए दुनिया के लोगों वर्गी खुशी नहीं सी, तो जिमें जवान पुत्र मर जाए दुनिया विरलाप करती है, सानू कोई दुख नहीं। तेरा तुझको सौंपते क्या लाग है मेरा, असी तो उस वाहिगुरु की रजा नू सत करके मनिया है। इस करके बई सतगुरु महाराज फरमान करते हैं भी ऐसा जो धनता जो दोग परमेश्वर है उस दे भाणे नूं जिहड़ा मिठा करके मनदा प्यारे ओह भी धनता दे योग बन जांदा। भाई भिखारी वर्गा भगत भगती करन वाला अते सतगुरु पुरख महापुरख ओही है। जिस नूं हरी दा भाणा मिठा पाउंदा चंगा लगदा है। और उन्हां दे हिरदे विच फिर आनंद पैदा हो जांदा भाणा मनण वालियां दे। उह किहड़ा आनंद? उह हद तो रहत आनंद उन्हां दे हिरदे विच पैदा हुंदा। इस करके उस आनंद विच कोई रुकावट नहीं आउंदी, कोई कमी नहीं आउंदी है। और हद तो रहत उस आनंद दे वाजे उन्हां दे हिरदे विच नाम दे हमेशा गूंजदे रहिंदे हन। भाणा मनण वालिआं नूं वाहिगुरू अपने गल नाल मेल के भाव गलवकड़ी विच लै के अपने विच अभेद कर लैंदा। भाणा मनण वालिआं उत्ते इन्नीआं बख्शिशां वाहिगुरू परमेश्वर करदा। भाणा मनण दा एड्डा वड्डा फल है। तुसी पुत्र भरा ते जिन्ना भी मेरा परिवार हो गुरसिखां समेत अपने हिरदे विच निर्णा करके चंगी तरह वेखना करो जियो प्यारियो। जो वाहिगुरु दा परवाना हुक्म लिखिया होया कि जीव ने इन्ने स्वास भोगने है उन्ने भोगने है, वह फिरदा नहीं मुड़दा नहीं है, उन्हूं कोई मोड़ नहीं सकता है गुरु तो बिना। हुण गुरु जाणगे कित्थे धन। गुरु अमरदास जी कहिंदे असी सतगुरु गुरु अंगद देव जी दे चरणां विच गुरु नानक साहब दे चरणां विच गुर परमेश्वर दे चरणां विच सठखंड दे विच जाणा करांगे। सतगुरु जी ने अपनी रजा अनुसार जिन्ना परिवार सी उस नूं सारे नूं उत्थे बुलाया अपने पास। सारा परिवार बुलाया सद्या अपने पास गोइंदवाल साहिब सचखंड जाण तों पहला। यह शुभ सिक्ख्या दित्ती कि साढ़े सचखंड जाण तों बाद कोई मत रोवे विरलाप करे नहीं रोना। परमेश्वर दी रजा नूं सत करके मनना। गरुड़ पुराण विच आउंदा किसे मृतक प्राणी दे निमित्त बंदा एक हंझू जदों केरदा ना कहिंदे विछड़ी रूह लई परलोक विच्चों दरिया बन के रुकावट बन के रुक जा रोकदा। भाव एड्डी वड्डी मोह दी जिहड़ी तंद है ना वह रुकावट का कारण बन जाती है। इसलिए महाराज कहिंदे वाहिगुरू की रजा विच रहना। इस करके मता कोई रोवे
विरलाप करे साडे सचखंड जाण तों बाद। ओ सानू मूल उक्का ही नहीं पावेगा, चंगा नहीं लगेगा जेड़ा साडी रजा दा पालन नहीं करेगा। बड़ा सुंदर प्रमाण दे रहे कदे जदों किसी मित्र दे नाल दे मित्र नू पोशाक दे के किसी पदवी ते बिठाया जांदा ना ता उदा मित्र ए वेख के बहुत प्रसन्न हुंदा खुश हुंदा कि मेरे मित्र दा मरातबा और पदवी वड्डी होई है उच्ची पदवी ते गया। असली मित्र प्रसन्न हुंदा, दुनिया वर्गे मित्र नहीं वेख के प्रसन्न ते अंदरों दुखी। महाराज कहिंदे मित पैदे मित बिकसा, हे गुरसिखो तुसी साडे मित्र हो भरा हो, सानू सचखंड दा हुक्म रूप इत्थों जाण दा चोला पहनाया गया, पहन लिया सी अकाली बाणा, इस करके तुसी सारे प्रसन्न होना करो। जिन्हों अपने मित्र की इज्जत पाउंदी चंगी लगती है ना, वह अपने मित्र की मरातबा उच्चा होण तो बहुत प्रसन्न हुंदा। इस करके असी सचखंड नूं जा रहे हैं, तुसी प्रसन्न होना करो, कोई विरलाप नहीं करना, रोना नहीं है। हे पुत्र भाई मोहरी भरावो गुरसिखो विचार करके देखना करो। हरिदास रूप सतगुरु गुरु अंगद देव जी ने ये गुरता गद्दी दी महान पदवी ये महान बख्श सिरोपाव सानू पहनाया, इस गुरता गद्दी दे महान सिंघासन दे उत्ते बिठाया है। सतगुरुआ ने अपने प्रतख शरीर दे हुंदिया होया धन गुरु रामदास जी नू राज योग दे तख्त उत्ते सजा के ये राज योग दे सिंघासन ते टकाया सजाया सुभाईमान करके हजूर ने आप गुरता गद्दी दी दात बख्शिश कीती चौथे पातशाह नू। सारे सिखां नू संबंधियां नू पुत्रां ते भरावां नू आग्या कीती ओ समय कि जिमें गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी नू गुरता गद्दी बख्शिश कीती सी, असी गुरु रामदास जी नू यह गुरता गद्दी बख्शिश कर रहे हाँ। सारे धन गुरु रामदास जी नू गुरु नानक साहब जी की चौथी जोत जाण के इन्हां दे चरनी पाओ, मत्था टेको, नमस्कार करो। अपने हुंदिया होया शरीर दे हुंदिया सचखंड जाण तो पहला चौथे पातशाह जी नू गुरता गद्दी का तख्त बख्शिश किया है, सारिया संगतां नू चौथे पातशाह जी दे चरनी पाया। गुरता गद्दी बख्श के सतगुरु जी ने की बचन बोले, की हुक्म कीता, आग्या कीती है। के साडे ज्योति जो समाउण तो बाद की करना, निर्वाण एक रस, निर्वाण दुखां तो रहत जो वाहिगुरु दी बाणी है, निर्वाण जो वाहिगुरु परमेश्वर है उस दी बाणी दा भाई कीर्तन करियो प्यारियो। किंग सेती केसवा, ऐसा जो जलां विच सहन करन वाला परमेश्वर है, गो पृथ्वी दा पालक है, उस दे सिद्धांत नूं जानन वाले तत्वेता पंडित रूप गुरसिखां नूं सद्दियो बुलायो। हर जो पापां दा नाशक है, हर जो व्यापक है, उस वाहिगुरु दी बाणी दी कथा उचारण करनी है, भाव करनी है। प्राण प्राणा तो जो प्यारा है, हे प्यारियो, उस वाहिगुरु दी बाणी दी कथा करनी है, होर किसे प्राण आदिक दी कथा नहीं करनी। जदों कोई गुरसिख चढ़ाई करे जयश्री दी वार दी और सहस कृति बाणी दी दस देन
सुबह शाम कथा करन दी मर्यादा है। विद्वान सिंह कथा करन अते संगतां परिवार सारा सुने। ये कलगीधर पातशाह जी ने भी और धन गुरु अर्जन देव जी ने भी आग्ञा की है। यूं महाराज गुरु अमरदास जी का भी हुक्म है कीर्तन और कथा करना। हरी दी कथा पढ़ी है, उच्चारण करनी है और नाम कीर्तन सुनना है। दोनों नू मेल के पार ब्रह्म हुआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। और अठे पहर कीर्तन कथा तो अलावा नाम ही सुनना, रोना पिटना नहीं है भाई गुरमुखो। भाई मोहरी तो होर कहन लगे जी विवान कढ़ीए पड़ोतिया वाले हो तुसी वड्डियां दे कढ़े जांदे। महाराज कहिंदे नहीं, बे दुखां तों बाण जो रहत हरी परमेशर है, उस दा जिहड़ा सानू रंग उहदी है भेदता, उहदा जिहड़ा मिलाप गुरु अंगद देव जी ने करा दिता, यही साडा विवान है। यही गुरु नूं पौंदा प्रेम दा विवान गुरसिख ने जीवन विच प्राप्त करना। जिन्हां नूं हो गया जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, गुरु नूं पा गए प्रवान हो गए। मृतक प्राणी दे मरण तो बाद जौआं दे आटे दे पिंड भराउणे, पत्तलां देनियां, किरिया बारी तेरी कपाल किरिया आदि करनी, दीवा जगाउणा, ये कर्म कांड केड़े है जिहड़े करने कि नहीं करने। महाराज कहिंदे नहीं, पिंड की भराउणा, केसो परमेशर दा नाम जिहड़ा जपणा ये पिंड भराउणे है, गोपाल दा नाम जपणा ये पत्तलां देनियां हन। और दसवें दिन किरिया, दसवें दिन सिख दा दशहरा मनाउणा, होर कोई किरिया बारी तेरी नहीं करनी। दीवा किहड़ा जगाउणा, गुर का शब्द उजारो दीपा, बिन सो अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। यों पिंड दे अभिमान का त्याग करना, पतला भाव वाशनावां नूं पतलियां सूखम कर लेना, सेवा और सिमरन दे आसरे। फरीदा टाकम कुंडणियां मनोम चिंदड़ियां, यों उन्हां नूं पतलियां सूखम, किरिया वेहत अवेहत कर्मां दा त्याग और ज्ञान दा दीवा जिस गुरसिख दे हिरदे विच जाग गया है साधन कर दें। प्रफुल्लत हो करके हरी दे सर सरोवर दे विच, पाप परमेश्वर रूप सरोवर दे विच हमेशा भेद होया रहिंदा हर का सेवक, सो हर जेहा भेद न जाणो मानस देहा। हर सर हरी दा सर सरोवर संगत है, संगत दे विच प्रफुल्लत हो के मिलना यही फुल पाउणे है। गुरसिख दा अंगीठा कीर्तपुर साहब तारना, ये मर्यादा पाई ये भी निभाउणी है तां के रूह दा भला हो जाए, छेवें पातशाह जी दा हुक्म है। बाकी महाराज कहिंदे भी अंतरीब तौर ते ये वाहिगुरू विच प्रफुल्लत हो के मिलना, यही वाहिगुरू दे विच अभेदता होनी है परमेश्वर रूप समुंदर विच। सतगुरु ने ओही आग्या ओही बचन मुख तो कहे जो वाहिगुरु नू पौंदे हन। ओ जिहड़े श्रेष्ठ पुरख हन प्यारिओ, जिन्हां ने परमेश्वर नू जान लिया, प्राप्त कर लिया सतगुरां द्वारा, जिन्हां दे उत्ते गुरु की कृपा हुई, उन्हां सुजान सियाने भाव ज्ञानी पुरशां ने, पूर्ण पुरखां ने गुरु दे बचना नूं मन के गुरु दी रजा विच जेड़े रहे आ, ओह वाहिगुरु विच मिल गए हन। रामदास सोढ़ी तिलको दिया, धन गुरु रामदास जी सोढ वंश वाले सतगुरां नूं तिलक दिता गुरता गद्दी दा, नाल नाल बाबा बुढ़ा जी तो तिलक लवाया। और निशान दा अर्थ हुक्म भी है, हुक्म कीता कि अज तो गुर शब्द देण दा अधिकार आप जी नूं है, ये परवाना आप जी नूं है,
इस करके गुर शब्द का निशान हुक्म मस्तक दे विच जेड़ा लिखिया धन गुरु अमरदास जी ने पावे अधिकार श्री गुरु रामदास जी नू नाम दा अधिकार नाम देण दा गुरसिखी दी बख्शिश करन दा ये नाल ही अधिकार बख्श दिता गुरता गद्दी दा तिलक दे के चौथे पातशाह जी नू पूर्ण सतगुरां ने जो बचन कहे आग्या कीती गुरसिखा ने सारे ने मिल के सतगुरु जी दी रजा नू आग्या नू सत करके मन्या आग्या प्रवान कीती है। भाई मोहरी पुत्र धन गुरु अमरदास जी दे छोटे साहबजादे सब तो पहला सन्मुख अगे हो के उन्होंने सतगुरु जी दे हुक्म अगे सीस झुकाया ओ धन गुरु रामदास जी दे चरनी लगे भाव चरणा विच मत्था टेकिया प्यारे ओ एडी वड्डी आग्या दा पालन कीता सतगुरां दे हुक्म दा सतगुरां ने कहा जिन्हां ने मेरा रूप गुरु रामदास जी नूं मन्या सारे मत्था टेको सारे ने नमस्कार कीती भाई सतगुरां दे चरनी पै के जिस हिरदे विच गुरु साहब ने अपनी जोत अपना स्वरूप रखिया टकाया भाव चौथे पातशाह जी नूं अपना रूप जदों बना के गुरता गद्दी बख्श दित्ती कोई जे करके बखीली ईरखा करके नहीं निभिया बाबा मोहन कहिंदा साडे घर दा जवाई है मैं बड़ा बड़े मेरे साधन कीते है बरगत है मैं क्यों निभा महाराज कहिंदे भी नहीं निभदा फिर तू इन्हां दे साहिबजादे अगे निभेगा तेनू अपने जप तप दा अपनी साधना दा अपने ज्ञान दा थोड़ी जी अंश तेरे अंदर होमै दी है ये हंकार दा अफारा है जदों इन्हां दे साहिबजादे जदों ओ गुरता गद्दी दे मालक बनगे भाव गुरु अर्जन देव जी जदों उन्हां दे चरनी लगेगा फिर वह तेरा निविरत होएगा सूखम होमै दी अंश जिन्ना चिर निविरत नहीं होंदी उन्ना चिर मुक्ति ते अभेदता नहीं हो सकती इस करके महाराज दे साहबजादे सन उन्हां लई महाराज जी ने यह तरीका अपना के उन्हां नूं भी बख्शाउणा सी क्यों जेड़ा कोई बखीली ईरखा करके नहीं निव्या नहीं चुकिया फिर सतगुरु जी ने आन लिया के अपने पंजवें स्वरूप अगे नवा दिता चुका दिता नमस्कार करा दिती है ये गुरां दा भाणा मोड़ सी ये वड्याई धन गुरु रामदास जी नूं गुरता गद्दी दी बख्शिश कीती है आप जी ने जब वरदान प्रार्थना आवा रामदास तब गुरु कहावा यों तुरों धन गुरु रामदास जी दे मस्तक दे विच लेख लिखिया होया सी कि चौथे पातशाह जी ने गुरु स्वरूप हो के साडा उधार करना वो तुरों लेख भी सी पर धन गुरु रामदास जी ने सेवा करके महान बख्शिशां कीतियां प्रसन्नता दे घर विच आप जी नूं गुरता गद्दी दी दात बख्शी और श्री गुरु रामदास जी दे लेख विच लिख दिता कि चौथे स्वरूप रूप विच गुरु रूप हो के साडा उधार करना हरिमंदर साहब सरोवर दी सेवा करनी अमृतसर साहब दी सारी रचना करनी है दमदमी टकसाल दे छेवें मुखी संत बाबा संत सिंह जी उन्हां तो बाद संत बाबा दया सिंह जी संत बाबा भगवान सिंह जी संत बाबा हरनाम सिंह संत बाबा हरनाम सिंह जी बेदी उन्होंने ये आप अपने हस्त कमलों द्वारा बचन लिखे है कि भगत सुंदर जी ये कह रहे हैं क्यों भगतां दी बाणी है गुरसिखां दी बाणी है यों भगत सुंदर जी कह रहे हैं कि आ संत जनों सुनना करो ध्यान दे के
सारा संसार ही गुरु अमरदास जी ने श्री गुरु रामदास जी दे चरनी पा दिता। ऐसा चरनी पाया अज भी सारा संसार श्री गुरु रामदास जी दे चरनी लगता। चारे दरवाजे तो भर भर संगत आ रही, सारा संसार ही उन्होंने चरनी पै रहा। सो सात संगत जी प्यारे, ये महान बख्शिशा सतगुरु जी ने कीतियां हन। सतबाणी का हुक्म है श्री गुरु अर्जन देव जी का, किसी मृतक प्राणी के भोग ते सतबाणी का पाठ हो जाए, कथा हो जाए, ये तो गुरमुख आत्मा सन। पर मनमुख दे लई भी ये बाणी का पाठ ते कथा हो जाए, महाराज उन्हूं नरकां च नहीं पैण दें। इस बाणी का यह महात्म है। सो सात संगत जी दमदमी टकसाल दे महापुरख छेवें सतवें मुखी संत बाबा हरनाम, संत बाबा गुरदास सिंह जी वाहिगुरु, अठवें मुखी संत बाबा दया सिंह जी, उन्हां दा नौजवान पुत्र चढ़ाई कर गया अमृतसर साहब। नौजवान सेवकां ने आके कहा महाराज तुहाडा पुत्र चढ़ाई कर गया। अगों पंक्ति पढ़ी कहन लगे जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। कहिंदे भाई उहदा संस्कार कर दिओ। साध संगत जी ऐसे गुरसिख होए साडे विच, पिता अपने पुत्र दे संस्कार ते भी नहीं गए दरबार साहब की सेवा छड के, कहिंदे संगतां ही करिआ उह संस्कार। ऐसी करनी वालियां गुरसिख आत्मा साडे विच होईआं। तो महापुरख बाबा मान सिंह जी ने ये दो असह भाणे मन के सानू दिखाया, बाबा कुलवीर सिंह जी का, बाबा बरियाम सिंह जी का। सो सात संगत जी समा नहीं अगे जाण दी आग्या दंदा। सो ऐसे सत्कारयोग बाबा बरियाम सिंह जी दे दुसहरे दे समागम ते समुचियां संगतां निहंग सिंह जथेबंदियां महापुरख बड़े सत्कार नाल हाजरियां भर रहे हो। जिन्हें भी महापुरख आए, संत जन आए, जथेबंदियां दलां दे मुखी आए, सिंह साहिबान आए, शहीद परिवार आए, सब दा ही बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा मान सिंह जी नूं दमदमी टकसाल दे तेरहवें मुखी सठखंड वासी संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा जी ने जदों मैते गुरद्वारा हैडक्वाटर बनाया, बाबा जी दल समेत गए। बाबा मान सिंह जी ने एक बचन किया संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी ने, कहिंदे बाबा जी तुहानू तुहाडे जीवन लई हमेशा दा सदा हमेशा दी साडी बेनती है, तुसी साडी चिट्ठी साडा सुनेहा नहीं उड़ीकना। तुसी दमदमी टकसाल दे इस हैडक्वाटर मेहता विखे हर जोड़ मेले ते अपने आप दर्शन देने, तुहाडा पक्का ही सदा साडे वल्लों। इन्ना माण महापुरख बाबा मान सिंह जी का करते सन। तो बाबा जी ने वह बचन अज तक निभा रहे हैं। जोड़ मेलिया ते असी बेनती भेजनी, सुनेहा भेजना साडा फर्ज है, सत्कार करना महापुरखों का। पर बाबा जी हर जोड़ मेले ते आप आके दर्शन देंदे है। इन्ना सतपुरशां दा बचन कमा रहे हैं, धन बाबा मान सिंह जी। सो ऐसी गुरमुख आत्मा सात संगत जी, उन्हां दे सपुत्र जथेदार बाबा हरी सिंह जी, बाबा मनजीत सिंह जी मन्ना, सारा परिवार पंथ की सेवा नूं समर्पित है। समा नहीं अगे जाण दी आग्या दिंदा संगत जी, भुल्लां चुक्कां खिमा करनी आ, इतनी हाजरी आप जी ने प्रवान करनी। पाणा दी वड्याई तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा।
ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮਸੂਲ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲੂਆ ਵਾਲੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜੀਆ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਗਿਆਨੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,